नरेंद्र मोदी ने 10 साल में जनता का जीवन नरक बना दिया है। आलम यह है कि दीपावली और छठ पर लोगों को गाजर मूली की तरह भरकर ट्रेन में यात्रा करनी पड़ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी को उनकी समस्या ही नहीं दिख रही है। वे तो बस वंदे भारत का प्रचार करने और विदेशों की सैर करने में व्यस्त रहते हैं। हर साल दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर लाखों लोग अपने परिजनों के साथ त्योहार मनाने घर जाते हैं। अमीर हो या गरीब, सभी को यात्रा के लिए रेलवे का सहारा रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके रेल मंत्री ने रेलवे को बर्बाद करके रख दिया है। लोगों को ट्रेन में टिकट मिल नहीं रहे हैं, फ्लाइट्स और बस के टिकट 4 से 5 गुना तक महंगे हो गए। त्योहारों के समय में घर जाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे लोगों की बात सुनने वाला कोई नहीं। नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के खजाने भरने में लगे हैं और रेल मंत्री रील बनाने में मस्त, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी जी आपकी आवाज जरूर सुने। इसके लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। यदि आपको रेल व्यवस्था में कोई कमी दिखती है या आपके पास सुधार के लिए कोई सुझाव है, तो आप भारत की आवाज से जुड़े और अपने हक की आवाज उठाए। अपने सुझाव देने के लिए आप rahulgandhi.in/awazbharat की पर जाएं। अपना नाम, जेंडर, उम्र, मोबाइल नंबर, कामकाज और ईमेल की जानकारी भरें। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर अपना राज्य और जिला भरें। अपने पेज पर आप ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल में से किसी एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। नेक्स्ट पर क्लिक करके आप अपनी परेशानी और उसका समाधान या सुझाव बताकर सबमिट करें। आपकी परेशानी और सुझाव राहुल गांधी जी तक पहुंच जाए। एक बेहतर भारत बनाने के लिए आप अपनी आवाज उठाएं। आइए हम सब मिलकर अपने सपनों का भारत बनाएं।